बस्तर उपमंडल के लोग आए दिन पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों ने पानी के इंतजार में अपने नलों की टूटियां खोल के रखी हैं ताकि पाइप से ही पानी आ जाए। ये माजरा ज्योली देवी पंचायत के जोकड़ू गांव का है, जहां लोगों ने पानी के इंतजार में नलों में टूटियां खोल के रखी हैं ताकि पानी की एक बूंद आ जाए। लोगों का कहना है कि विभाग को कई बार सूचित किया गया है कि पानी दिया जाए, विभाग के कर्मचारी आते हैं और कल पानी आने का आश्वासन देकर चले जाते हैं, मगर पानी नहीं आता। डुगियार की स्थानीय महिला का कहना है कि पानी 5 या 6 दिनों बाद आता है, जिससे कि रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने में परेशानी होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। पानी यहाँ 20-20 दिनों बाद आता है। यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा कुएं है जो भी खाली हो चुके हैं। प्रशासन को कई बार बोला जाके, विभाग को बोला, लेकिन उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई पानी नहीं है, हम कहाँ से दें। सटवी निवासी नीरज कुमार का कहना है कि पानी न आने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विभाग हमें पानी देने में असमर्थ है। पानी तो कहाँ से, इधर उधर के दूसरों नल जो दूसरे घरों में पानी आता है वहाँ से लाते हैं, लेकिन वो भी भरने नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी हमारे को भरने दो, हमारे को पानी की खुद बहुत समस्या है। पानी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बहुत बार कंप्लेन भी कर चुके हैं पानी वालों के साथ, विभाग वालों के साथ, तो वो भी अपनी खाना पूर्ति करते हैं, आते हैं, कहते हैं चलो आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बिना परवाह किए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमारे। उधर बरसर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का कहना है कि प्रदेश सरकार लोगों को पानी देने में असमर्थ रही है। सांसद अनुराग ठाकुर 15 सालों से सांसद हैं, परंतु वे हमीरपुर जिला के बरसर उपमंडल के पानी की कोई भी स्कीम नहीं ला पाए हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने पानी की स्कीमों पर पैसा लगाया होता तो आज बरसर की जनता को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ता, जिससे सांसद लोगों में लोकप्रियता को खोते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला तो एक हमारा टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए वहां पे बात हो सकती है, लेकिन कोई शिमला का ही पानी थोड़ा देखना है, पूरे हिमाचल का, और खासकर जो मैं तो संसदीय क्षेत्र की बात करूं, हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में आज बहुत बुरी हालत है। खड़े सूख गई है, स्कीमें हमारी सारी बैठ गई हैं, उसके बारे में अभी तक एक भी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता की नहीं आई है जिला हमीरपुर को लेकर। तो क्या कारण है कि हमारे हमीरपुर में पानी की समस्या सब ठीक ठाक चल रही है? आज आप गांव में जाइए, गांव में देखिए, फिर ये इल्जाम लगाते हैं जी 5 वर्ष तो आप सत्ता में थे, तब क्यों नहीं की? हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने पूर्व में जितनी भी स्कीमें हमने उचित हो सकी हमने बनाने की कोशिश की, जहां पर उचित मात्रा में हैंडपंप लगाए जा सकते थे हम